नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज का आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि कंट्रोलर कितने प्रकार के होते हैं और इनकी वायरिंग कैसे की जाती है। किसी भी कंट्रोलर को किसी गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन कौन से वायर किसमें कनेक्ट करने हैं, इसकी हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जो कंट्रोलर लेते हैं उस पर वार्निंग लिखी हुई होती है, सबसे पहले आप ये समझ लें, उसके बाद आप कनेक्शन आईजी वे में समझ जाएंगे। ये कंट्रोलर की पूरी डिटेल दी हुई है, इसमें लिखे हुए हैं वोल्टेज 60 to 72, मतलब ये 60 में भी वर्क करेगा और 72 में भी वर्क करेगा। मतलब 60 to 72 का मतलब हो गया 60 to 72 दोनों में काम करेगा। कई कंट्रोलर ऐसे आते हैं जो सिर्फ 60 में काम करेंगे, ये सिर्फ 72 में काम करेंगे। अब इसकी क्या क्या इसमें खासियत है वो समझ लो आप। लिखा हुआ है हाई लेवल ब्रेक और लो लेवल ब्रेक। इसमें दो वायर ब्रेक लेवल के होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। अंडर वोल्टेज 52 और 62, 52 62 का मतलब ये 60 में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका 52 कट ऑफ है, 72 में कन्वर्ट कर रहे हो तो 62 कट ऑफ है इसका। फिर इसका करंट एम्पियर लिमिट, ये आप देख सकते हो 35 एम्पियर तक ये वर्क करेगा। मतलब आप जो बैटरी इसमें इंस्टॉल करोगे वो 35 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होने पर आपका यह कंट्रोलर गर्म होगा। तीसरा है इसमें हैंडल वोल्टेज 4.2 वोल्ट होता है, मतलब जो आप एक्सीलेटर मारते हो उसके वोल्टेज कितने होने चाहिए और कितने आएंगे इसमें वो आप चेक करके भी देख सकते हो, 4.2 वोल्ट तक वर्क करेगा। तीसरा है इसमें एंटी थेफ्ट, मतलब अलार्म वाला सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, गाड़ी रिमोट से ऑन ऑफ हो जाएगी, लॉक भी हो जाएगी। फिर है 3 speed mode, मतलब 1, 2, 3, 3 speed mode मिलेंगे आप, 3 speed से इस कंट्रोलर में खासियत है। फिर 1 line connect, ये होता है आपका मीटर का डिस्प्ले, जो मीटर होता है जिसमें हमारे सेंसर स्पीड वगैरह बताता है उसका आता है ये 1 line connector। इसमें दो तरह की लाइन होती है, एक तो आपका डिजिटल मीटर के लिए होती है और एक लाइटिंग वाला जिसमें लाइटिंग की तरह मीटर होता है उसमें काम करेगा। फिर होता है सेल्फ रनिंग, सेल्फ रनिंग का ये पॉइंट बहुत सारे कंट्रोलर में आते भी हैं और बहुत सारे कंट्रोलर में नहीं आते हैं, तो जिसमें नहीं आते उसको कैसे यूज करते हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे जब कनेक्शन करेंगे तब। इसमें सेल्फ रनिंग का मतलब होता है आपने कनेक्शन किया, कंट्रोलर इंस्टॉल किया, मोटर इंस्टॉल किया और अगर आपकी मोटर उल्टी चल रही है तो आप ये सेल्फ रनिंग वाले जो वायर आते हैं उनको आपस में जैसे टच करोगे तो आपकी मोटर सीधी हो जाएगी और अगर वो सीधी चल रही है तो आपकी मोटर उल्टी हो जाएगी। और उस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना जब हम आपको कनेक्शन करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल ये डिटेल आपने देख ली, मतलब इस कंट्रोलर के पूरा आपका दिमाग में डायग्राम आ गया है। अब कनेक्शन कैसे करने हैं और इसमें और कितने कंट्रोलर होते हैं वो बताते हैं। ये कंट्रोलर होता है, ये है 48 to 60, मतलब ये 48 में भी काम करेगा और 60 में भी काम करेगा। फैसिलिटी इसकी भी वो की वो है, एंटी थेफ्ट है, 1 line connector है, सेल्फ रनिंग है। ये तो हो गया हमारा वायर वाले कंट्रोलर। अब इसमें एक प्रकार का और होता है जो होता है हमारा स्मार्ट कंट्रोलर। अब ये देख सकते हो इस पर भी वार्निंग वो की वो लिखी हुई है। ये डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है। इसमें भी वही लिखा हुआ है 48 to 60, फिर इसके अंडर वोल्टेज वही 51 लिखे हुए हैं और सेल्फ रनिंग 3 speed, एंटी थेफ्ट, 1 line connector और ब्रेक हाई लेवल। इसमें लो लेवल वाला ब्रेक लेवल नहीं है और 120 डिग्री वाला राउंडिंग वाला है। मतलब ये यहाँ से आप सब कुछ पता कर सकते हो कि आपके कंट्रोलर में क्या क्या खासियत है। फिर आता है हमारा ये कंट्रोलर, ये 60 to 72 वाला है, ये भी स्मार्ट कंट्रोलर है। और अगर आप ये कंट्रोलर परचेज करते हो तो इसके साथ हम आपको डायग्राम भी देंगे, तो आप उस डायग्राम में चेक करके इनके कनेक्शन कर सकते हो अगर आपको कंट्रोलर का थोड़ा बहुत आइडिया है तो। अब हम आपको बताएंगे इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया 60 to 72 वाला, इसके कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं ये आपको मैं समझा दूं। यहाँ से आप समझ गए, मतलब यहाँ से कनेक्शन आप आईजी वे में समझ जाओगे। ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, ये है हमारे मेन वायर जो हम कंट्रोलर को मेन सप्लाई देंगे। फिर उसके बाद आता है ये तीनों मोटर के मेन सप्लाई। ये नॉर्मली हैवी वायर आते हैं, आप नॉर्मली समझ ही जाओगे अलग से, क्योंकि रेड एंड ब्लैक मेन सप्लाई हो गई और ये तीनों मेन सप्लाई अपनी मोटर की हो गई। फिर ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा होता है इंडिकेशन लॉक, मतलब आप चाबी से जो कंट्रोलर को ऑन ऑफ करते हो उसका ये वायर है, चाबी वाले स्विच में ये वाला वायर जाएगा जिससे हमारा कंट्रोलर ऑन ऑफ होगा। फिर ये रेड कलर की जो दो पिने है ये मैंने बताया था एंटी थेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक लॉक रिमोट से चालू बंद करने के लिए एंटी थेफ्ट में काम करेगी ये। फिर उसके बाद है हमारा ये थ्रोटल वाला, ये हमने लिखा हुआ है थ्रोटल, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और थ्रोटल सिग्नल, ये 5 volt और ये नेगेटिव तो कॉमन होता है और ये सिग्नल, इसमें सिग्नल वायर जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 3 speed mode, 3 speed 1, 2, 3 इस बटन में, ये हमारा नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनको इनके साथ टच करना होता है जिससे हमारे 1, 2, 3 speed हमें मिल जाएगी। फिर ये होता है हाई लेवल ब्रेक लेवल,
चलो जी, ये हमारा हाई लेवल ब्रेक वाला है और इसमें ब्रेक वायर कनेक्ट करने होते हैं, जिससे हमारी गाड़ी जब हम ब्रेक लगा के रखें तब एक्सीलेटर मारने पे हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद होता है ये हमारा होता है रिवर्स, ये ग्राउंड है और ये रिवर्स का सिग्नल है। आप इसको आपस में टच करोगे तो हमारी गाड़ी रिवर्स चलेगी। फिर ये है हमारे मोटर के होल सेंसर, ये हमारा नेगेटिव, ये 5 वोल्ट का पॉजिटिव हो गया और ये तीनों 5-5 वोल्ट के होल सेंसर हो गए। ये हमारी मोटर के कनेक्शन है, मोटर के होल सेंसर के कनेक्शन है। फिर उसके बाद आता है ये हमारा मीटर का है, जिसमें डिस्प्ले कनेक्ट करना होता है। कई बार ये दो तरह के होते हैं, ये भी हमारा मीटर का है और ये भी हमारे मीटर का है। तो इसमें होता ये है कि डिजिटल मीटर में अलग कनेक्शन लगेगा और अगर वो लाइटिंग वाला है तो उसमें अलग कनेक्शन लगेगा। तो ये दोनों उसके रहते हैं, आपको एक एक टच करके देखना है किसमें हमारा मीटर चल रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेल्फ रनिंग, ये जो होता है हमारा सेल्फ रनिंग, जो जिसके बारे में मैंने बताया था कि मोटर को उल्टा सुधा करने के लिए सेल्फ रनिंग वाला पॉइंट होता है। इसको आपको करना एक बार ऐसे कनेक्ट करके तुरंत निकाल लेना है। तो उसके बाद क्या होता है, मोटर अगर उल्टी चल रही तो सीधी हो जाएगी और सीधी चल रही तो उल्टी हो जाएगी। ये मोटर को सेट करने के लिए आता है, ये बहुत से कंट्रोलर में नहीं भी आता है। ये होता है हमारा 60 to 72 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप इसको खुला रखोगे तो हमारा कंट्रोलर जैसे 60-72 का है तो 60 में चलेगा, और इसको कनेक्ट कर दोगे तो 72 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 48-60 का है तो डिसकनेक्ट पे 48 रहेगा और कनेक्ट करने पे 60 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये होता है हमारा लो लेवल ब्रेक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। तो ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे चलाते हैं उसके बारे में हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा कनेक्ट करके बताएंगे कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है और इजी वे तरीके से आपको कैसे समझना है, उसके लिए हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।